को कन्विंस कर पाए कि भाई ऑड इवन जो है एक फॉर्मूला है पोल्यूशन को कुछ हद तक कम करने का। थोड़ा सा साइड हो जाइए प्लीज। लेकिन एनजीटी कोर्ट ने जो दो कंडीशंस रखी, एक तो टू व्हीलर्स एग्जेम्प्ट नहीं होंगे और लेडीज भी एग्जेम्प्ट नहीं होंगी, तो अगर लगभग 60 लाख के आसपास जो टू व्हीलर्स हैं उसका 50% लेके चलें तो 30 लाख के आसपास टू व्हीलर्स हैं जो रोड पर होंगे। तो लाइफ है ना, अभी इन जो सर्कमस्टेंसेस है आज के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसेस का, तो उतनी ज़्यादा बसेस की स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उनको कैरी आउट कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि लेडीज़ की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेडीज़ और लेडीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी कंसर्न, तो वो हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। तो एट द मोमेंट जो PM 2.5 और PM 10 के जो लेवल्स हैं वो प्रिस्क्राइब लेवल से भी कम है, तो एट द मोमेंट वी आर कॉलिंग इट ऑफ। मंडे को वी आर गोइंग बैक टू NGT, वी आर रिक्वेस्टिंग NGT कि वो जो टू व्हीलर्स की एग्जेम्पशन और लेडीज की एग्जेम्पशन जो है वो उसको दोबारा कंसिडर करें, क्योंकि इन दोनों कंडीशन के साथ बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए ऑड इवन इम्प्लीमेंट करने का। लेडीज की सिक्योरिटी आ नहीं रहा क्या स्पीड भी है, तो हम हाथ जोड़ के NGT कोर्ट में मंडे को ये रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एंड एट द मोमेंट ऑड इवन जो है वी आर कॉलिंग इट आउट। थैंक यू।